वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड वेलकम टू न्यू पीपल। ऑफ कोर्स आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है, अबाउट आवर क्यू एंड ए सेशन जो मैंने लास्ट टाइम इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एंड यू गाइस गोइंग टू रिस्पॉन्स। रियली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना ज्यादा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या देयर इज अ वीडियो, मैं उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स करने वाली थी बट आई डोंट हैव दैट इनफ टाइम कि मैं उनको इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्ड करूँ या फिर एक बार ही कलेक्टिवली सबको आंसर करूँ। एंड वहां पर मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कम और मतलब मेरी तारीफें बहुत ज्यादा हो रही थी फॉर वीडियोज फॉर इंस्टाग्राम पिक्चर्स। तो आई थिंक मेरे तरफ से एक बिग हार्ट सभी के लिए, रियली रियली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर काइंडनेस। एंड आई होप कि ये सपोर्ट ऐसे ही चलता जाए और हम और भी ग्रो करें, हमारे फैमिली यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ हैप्पी नोट। सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन बट मैंने कुछ ऐसे ही चूज किए हैं जिसके मैं क्वेश्चन के आंसर देना पसंद करूंगी क्योंकि आई डोंट हैव इनफ टाइम। एंड द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा आ रहा है कि आर यू सिंगल, आर यू वांट लव मैरिज, आर यू वांट अरेंज मैरिज, और उसके साथ परसेंटेज भी लिखा हुआ है। सो आई एम रियली कंफ्यूज कि क्वेश्चन का आंसर कैसे दे, ये मैथ थोड़ी ना है। बट ठीक है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आई थिंक मेरे फर्स्ट क्यू एन ए में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो यू गाइस गो एंड चेक आउट। या फिर मेरे दूसरे जो क्यू एन ए क्वेश्चन थे विद माई गर्लफ्रेंड्स, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगी। यू गाइस रियली एंजॉय दैट विद यामिनी, दैट्स माई फर्स्ट क्यू एन ए सेशन विद अनदर गर्ल। मैंने इससे पहले कभी किसी के साथ कोलैब नहीं किया था बट या शी इज फ्री एंड उसने मेरे साथ वो वीडियो बनाया था, आई एम रियली हैप्पी। तो इस वाले क्यू एन ए सेशन में मोस्टली मेरे लिए रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन है एंड वो जो क्वेश्चन थे ना फर्स्ट क्यू मैंने अभी बोले, उसके आंसर उस क्यू एन ए सेशन में है। इफ यू वांट एंड गो एंड चेक आउट दैट। बट वो सारे मुझे लगता है कि मैं जब यू नो 17-18 साल की थी तब वाले क्वेश्चन के आंसर है। बट अभी थोड़ी सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है। आई डोंट वॉन्ट दैट वर्ड इन माई लाइफ, दैट मैरिज वर्ड इन माई लाइफ एट ऑल। और मैं सिर्फ फोकस करना चाहती हूँ अपने करियर पे, यू नो जस्ट वॉन्ट टू ग्रो, बिल्ड माई सेल्फ एंड सी माई सेल्फ इन अ 5 ईयर समवेयर जहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की चिंता ना करनी पड़े। सिर्फ यू नो जब भी हम कभी बाहर जाना चाहते हैं तब हमें हमेशा सोचना पड़ता है कि आवर बजट या फिर हम कैसे यहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करें या ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। सो मैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहती, मैं सिर्फ यू नो मेरे पैसे पूरे खत्म करना चाहती मेरे ट्रैवलिंग पे, मेरे वर्ल्ड टूर पे, दैट्स माय गोल। एंड या आई डोंट वांट टू दैट क्वेश्चन रिपीट हियर, सो जस्ट कट ऑफ दैट टॉपिक। ओके सो लेट्स गो विद आवर न्यू क्वेश्चंस। और ये वाला रिस्पांस एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स किसको पसंद नहीं है। तो थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू। ओके लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस बट इसमें से रैंडम ही क्वेश्चन चूज करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम प्लीज। सो व्हाट्स योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर एंड हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ एक ही पर्सन ने डाले हैं। तो माय फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर इज पिस्ता बट आई रियली लाइक नाउ डेज द ब्लूबेरी जो मैंने लास्ट टाइम पुणे में मेरे फ्रेंड के साथ खाया था एंड आई रियली लाइक दैट, नेचुरल का था वो तो वो मुझे पसंद आया। एंड अभी सीताफल भी बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे पसंद आ रहा है। ऑल टाइम फेवरेट पिस्ता, फिर ब्लूबेरी एंड दिस सीताफल, दैट्स माई फेवरेट। ओके हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, देर आर सो मेनी फ्रेंड्स, देर आर सो मेनी फ्रेंड्स। तो किसी एक को हम नहीं बोल सकते बेस्ट फ्रेंड क्योंकि यू नो एक को बोलोगे तो दूसरा हर्ट होगा, दूसरे को बोलोगे तो ये हर्ट होगा, तो आई डोंट वॉन्ट दैट। एंड यू नो हर एक पर्सन हर एक चीज़ के बारे में अलग सोचता है, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सबके प्रस्पेक्टिव अलग होते हैं, ओपिनियंस अलग होते हैं, सो हमको सभी को मतलब यू नो एक साथ ही मानना चाहिए। तो दैट्स आई थिंक मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड है वो सभी के सभी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते बट आई थिंक देर आर 2 से 4 कह सकती हूँ, दे आर माई मोस्ट क्लोज। और हमारी बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि दे आर बिजी इन देयर लाइफ, आई एम बिजी इन माई लाइफ, बोथ वी आर डूइंग वर्क साइमल्टेनियसली। तो आई थिंक दो तीन चार जो है जो जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ तो वो मैं रोज नहीं बट कभी कभी बात करती हूँ। बट या आई थिंक बेस्ट फ्रेंड का यही है कि कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होती, वाइब्स मैच होनी चाहिए एंड हमेशा मैं उनके लिए हूँ और वो मेरे लिए है, दैट्स द थिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड। और कभी भी मुझे नीड पड़ती है ना जस्ट मैं उनको कॉल करती हूँ, पूछती हूँ, दे सॉल्व माई प्रॉब्लम्स और
या जस्ट हमें कुछ बात करनी हो तो हम इससे ही बात कर लेते हैं, अभी तो नजदीक नहीं है बट ठीक है, या इसको हम जितना टाइम हो सके उतना स्पेंड करते हैं, दैट्स द थिंग। मैं किसी का नाम रिवील नहीं करना चाहती, बट या दो तीन ही है, ज्यादा नहीं काउंट करती मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रैंडम है। इफ यू वॉन्ट द लॉटरी व्हाट विल यू डू? लॉटरी जीतने के बाद कौन क्या करेगा? मैं तो चिल्लाऊंगी जोर से कि लॉटरी लगी है, बट वो पहली चीज होगी, मैं चिल्लाऊंगी। फिर सेकंड में मेरी मम्मी का आकर बताऊंगी, एंड थर्ड उसके साथ मम्मी क्या करना चाहती वो चीज देखूंगी। एंड मैं मोस्टली क्या करूंगी कि मैं, मेरा बकेट लिस्ट है कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ, तो ऑफकोर्स मैं सारे जो मेरे लॉटरी के पैसे है उसमें डालने वाली हूँ और पूरा वर्ल्ड टूर करने वाली हूँ। दैट्स माई बिग गोल, आई होप कब पूरा हो, बट आई वॉन्ट दैट अगर मुझे लॉटरी लगी तो। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट, ओके, व्हाट फिल्म डू यू लाइक द मोस्ट और यू लव द मोस्ट? ओके, देर आर सो मेनी मूवीज, तो मुझे फर्स्टली आई एम फुल ऑफ टॉलीवुड गर्ल्स, मुझे साउथ इंडियन मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई नो देर आर सो मेनी फिल्म जहाँ पर ओवर एक्टिंग होती है या फिर ओवर एक्शन होता है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि अभी तो पूरा हॉट हमारा बॉलीवुड है उनको कॉपी कर रहा है, सो दैट्स वाई आई डोंट थिंक कि ये कुछ मैटर करता है। बट आई रियली लाइक महेश बाबू की मूवीज एंड अल्लू अर्जुन, फिर विक्रम, विजय, दे आर माई प्रायोरिटी लिस्ट तेलुगु मूवीज देखने के लिए। बट या आई लव उधर की मूवी, बट इन उसमें से पर्टिकुलर एक नहीं बता सकती क्योंकि देर आर सो मेनी जो मुझे पसंद है, सो 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 मेनी, तो नहीं बता सकती उसमें से कोई। बट यहाँ पर मतलब बॉलीवुड में मुझे सिर्फ देर आर सो, बट आई थिंक आई लव हम साथ साथ है एंड ओके जानू मूवी, दैट माई रिसेंट फेवरेट। मतलब मैं रिपीट पे देखू भी तो बोर नहीं होती, एंड शाहिद कपूर की इश्क कारगर, दैट्स माई मोस्ट फेवरेट लव वन मूवी, या ये वाली है जो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है, बट आई लव दैट। एंड इन हॉलीवुड देर आर सो मेनी, बट आई लव हॉलीवुड मूवी से ज्यादा दैट वेब सीरीज, आई लव वेब सीरीज। तो ठीक है, दैट्स इट, दैट्स क्वेश्चन का आंसर बस हो गया। वाई डिड यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? वाई डिड आई स्टार्ट? ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है इसका आंसर, क्योंकि ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना ऐसा कुछ प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं था, मेरे बकेट लिस्ट में कभी भी नहीं था। बट रैंडमली मेरी सिस का एक यूट्यूब चैनल है जो रिलेटेड टू हिज वर्क, मतलब ड्रॉइंग के रिलेटेड है, तो उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। फिर मेरे दूसरे सिस ने स्टार्ट किया, उसका क्राफ्ट का है। फिर मेरे भाई भाई ने स्टार्ट किया, उसका कार्डबोर्ड का है। और फिर मेरे थर्ड सिस ने स्टार्ट किया, उसका रंगोली का है। All the links in description box if you want, just check out that and please do subscribe to their channel. They doing amazing, उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं वो सब। तो या तो उन सभी ने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, एंड फिर लॉकडाउन आया, फिर मैं थर्ड ईयर में थी एंड आई डोंट डू एनी थिंग, मतलब मेरे क्लासेस 9 to 12 या फिर 1 बजे तक हार्डली चलते थे, तो बाकी के जो टाइम था ना वो मैं ऐसे ही वेल्ली बैठी थी तो कुछ नहीं करती थी। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, एंड सभी ने अपना अपना प्रोफेशन चूज कर लिया था, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग ही बना दूँ। मतलब ये वाला मेरा थीम नहीं था, एक्चुअली मेरे सिस का था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और इसका और एक भी रीज़न है कि मैं थर्ड ईयर में थी अपनी, एंड मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी था, एंड वी आर लिविंग इन महाराष्ट्र जहाँ पर इंग्लिश बोलना मतलब ना के बराबर ही है, सब लोग हिंदी या फिर हिंदी तो नहीं मराठी ही बात करते हैं, तो हमें इंटरव्यू में सब कुछ इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था, क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आते थे यहाँ पर कैंपस नहीं आता, बट जितना भी एक दो आता था पहले वो सब लोग फ्रॉम पुणे, मुंबई या फिर हैदराबाद, ये से साइड से थे, तो उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, तो दैट्स वाई सब इंटरव्यू इंग्लिश में होते थे। तो ऑफकोर्स हमारी पढ़ाई इंग्लिश में थी, बट स्पीकिंग पे बात आती है तब नहीं होता, क्योंकि हम राइटिंग एंड यू नो पढ़ सकते हैं, बट बोलना एक अलग चीज़ है, आपके मुँह से शब्द निकलना अलग चीज़ है, क्योंकि आप थिंक कर रहे हो मराठी में और बोल रहे हो इंग्लिश में, इट रियली कॉम्प्लिकेटेड एट सम टाइम। बट उसको ओवरकम करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, आई थिंक उसी की वजह से आई एम हियर। सो मैंने ये स्टार्ट करना एक मेरा बहुत ही अच्छा रीजन था इसके पीछे, और मैं उसको कंटिन्यू कर रही थी।
बट जब मेरी इंग्लिश ठीक हो गई तो उसके बाद जो मेरे सब्सक्राइबर थे मोस्टली वो सभी के सभी आसपास वाले लोग थे, तो उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी. एज यू ऑलरेडी से दैट द मराठी एंड स्पीक मराठी मोस्टली. तो फिर मैंने मराठी में और हिंदी में स्टार्ट किया एंड फिर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बढ़े. फिर मराठी मोस्टली नहीं जानते थे मध्य प्रदेश वाले लोग और मेरे वहीं पर ज्यादा फ्रेंड बने, तो उनके लिए फिर मैंने हिंदी स्टार्ट किया. तो ऐसे करके मेरा चैनल इंग्लिश से मराठी, मराठी से हिंदी बन गया. तो अभी मैं फोकस करती हूँ कि हिंदी पे ही चले सब कुछ एंड या जितने ज्यादा लोग देखे उतना अच्छा ही है. तो ऐसे मैंने करके यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्ट किया एंड अभी तो मैं लुक मतलब इसकी तरफ ऐसे देख रही हूँ कि ये मेरा नो करियर ही बने. तो या ऐसे मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल बिहाइंड कि मैंने कैसे मतलब एग्जैक्टली प्रॉपरली स्टार्ट किया था एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या टर्न्स टू इट और बहुत कुछ कुछ मतलब बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है वो सब जानना होगा. तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो और आपको बता दूँ कि क्या करती हूँ मैं ऐसी वीडियो कैसे बनाती हूँ. या दैट्स ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन, नहीं बहुत हो गया. ओके, नेम सम सॉन्ग्स दैट विल बी योर लाइफ साउंड ट्रैक. लाइफ आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस, क्योंकि एक सॉन्ग आपकी जर्नी या फिर आप क्या करे वो नहीं डिसाइड कर सकती. बट आई थिंक बाकी सब फर्स्ट क्लास है वाला जो सॉन्ग है सिचुएशन में हूँ या फिर मैं जो कर रही हूँ रिलेटेड टू दैट ये परफेक्ट सॉन्ग है. तो ये क्वेश्चन बहुत ही एक्चुअली मेरे लिए फनी है और मैंने रिलेटेड इससे बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैंने सीख किया. बट आई पुट दिस क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है, तो तेरे दिल में आने का रास्ता ही तो बता दे. सो आई होप यू गॉट द आंसर इन माई इंट्रो, बट स्टिल ये वाला जो शॉर्ट होगा वो तुम्हारे लिए. इट्स क्लोज, प्लीज टेक अ यू टर्न. So I hope you got the answer. ले लो यू टर्न, यहाँ पर कोई शॉर्टकट या फिर मतलब वे ही नहीं है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई करियर ग्रो एंड सी द वर्ल्ड कैसा है. अगर मैं मेरे 17-18 साल में थी या तभी मैंने इसके आंसर दिए तो या दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू दैट एज, बट अभी तो नहीं. या सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एक्चुअली एक ही शॉर्ट में तीन तीन क्वेश्चन है, तीन है चार एक्चुअली. बर्थडे, फेवरेट टीवी शो, फेवरेट मूवी, फेवरेट इमोजी. सो माई बर्थडे इज 30 अक्टूबर. जब दिवाली आती है मोस्टली तो सभी होता है, एक ही दिन होता है. बट रैंडमली आजकल इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा बर्थडे में, पता नहीं क्यों. आई थिंक करना चाहिए. ठीक है, ओके. फेवरेट टीवी शो, टीवी शो एक्चुअली मैं नहीं देखती, बट मेरा लास्ट टाइम टीवी शो मैंने देखा था दैट्स अ मराठी टीवी शो विच इज जिवलगा. वो तो अभी हॉटस्टार में अवेलेबल है, अभी तो यूट्यूब पे भी आ चुका है. सो यू गाइस गो एंड चेक आउट दैट जिवलगा. उसका ट्रैक सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, दैट्स इन मराठी टीवी शो. हिंदी आई थिंक मैंने थोड़ा थोड़ा वॉच किया है, वो है इमली, इमली और सुमुल, सुमुल सुबीर खान का जो इमली, वो मैं थोड़ा थोड़ा देखा, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. दैट टू टीवी शो आई रिकमेंड. एंड फेवरेट मूवी, द फेवरेट मूवी नॉट एज अ फेवरेट मूवी, देर आर सो मेनी मूवी जो मुझे पसंद आती है. दैट इज थिंग, मुझे हॉलीवुड बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये वाले इतने हमारे हॉलीवुड के बच्चों के. तो फेवरेट इमोजी, आई डोंट नो द नेम, बट ये वाला इमोजी मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ. Who is your celebrity crush? There are so many celebrity crush, you guys. Occasion wala hero, uska naam yaad nahi raha. Wo Shahid Kapoor because of his acting and Priyanka Chopra because oh my god, she is definition for girls. You know how you need to bold yourself. You मतलब जो चाहिए वो करना है. And I really love you know YouTube videos है, reels है, shorts है, वो सब मैंने you know देख के पार कर लिए हैं. मतलब वो मेरी true crush है, celebrity crush. फेवरेट प्लेस यू ट्रैवल्ड, तो फेवरेट प्लेस जहाँ पर मैं गई हूँ अभी तक एक भी नहीं हुआ है. बिकॉज मैं सिर्फ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में घूमी हूँ, तो मेरा कोई ऐसा
प्रॉपर फेवरेट नहीं हुआ, बट मैं जाना चाहती हूँ वो वाला फेवरेट प्लेस है सैंटोरिनी। वो मेरा बहुत ही मतलब जब भी मैं उसके फोटोज वीडियोज देखती हूँ आई जस्ट रियली लव दैट। और उसके बाद आता है तुर्की इस्तांबुल, वो प्लेस में वहाँ पर जाना पसंद करूँगी जब भी कभी लाइफ में चांस मिले तब। और उसके बाद इटली, क्योंकि वहाँ का आर्किटेक्चर और बहुत बार उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, वहाँ पर बहुत कुछ है, तो आई थिंक दैट्स द थिंग मैं वहाँ पर जाना पसंद करूँगी। बहुत लोगों का है कि पेरिस, बट आईफिल टावर के बारे बात के बाद मतलब आईफिल टावर खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कि पेरिस में फूड के अलावा कुछ है, तो या जब चांस मिलेगा तो देखूंगी, बट ये वाले प्लेस मेरी विशलिस्ट में है। अभी तो कुछ ऐसा फेवरेट में गई हूँ ऐसा नहीं हुआ है। आर यू अपसेस्ड विद समथिंग राइट नाउ? अभी तो मैं किससे अपसेस्ड हूँ? ओके, मैं अपसेस्ड होती हूँ वेब सीरीज से जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक, एंड उसमें से है द पिकार्ड, वो मेरी फेवरेट है, वो रिसेंटली मैं वही वॉच कर रही हूँ, सारी सीजन पार कर लिए मैंने। एंड फिर ऑब्सेशन विद नेल पेंट्स, मेरा नेल पेंट के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, मैं ट्राई करती हूँ कि हर बार चेंज करती रहूँ मैं नेल पेंट, और मेरी मम्मी मुझे मारती रही क्योंकि ना निकली नहीं तो भी मैं निकाल कर दूसरी लगाती हूँ, दैट्स माई ऑब्सेशन। एंड आई थिंक लिपस्टिक के बिना मैं जी नहीं सकती है जाए, तो ये सब कुछ कलेक्ट करना मुझे पसंद है। या दैट्स माय ऑब्सेशन एंड करंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद नेल पेंट एंड द पिकार्ड सीरीज। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा ले? व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? बेड पर जाने का टाइम इट्स नॉट फिक्स, अकॉर्डिंग टू माय मूड इट्स चेंज। तो ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई भी पिक कर लो, पर मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी सो, तो 12, 12, 1 के बीच में मैं सो जाती हूँ। ओके, डू लाइक स्केरी मूवीज? नो वे, मुझे स्केरी मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे समटाइम डुप्लीकेट ही लगता है क्योंकि मैं भूत पे विश्वास नहीं करती, तो दैट्स वन, बट होते हैं या फिर नहीं होते वो अलग अलग क्वेश्चन है, बट या आई डोंट लाइक स्केरी मूवीज। लास्ट फिल्म यू वॉच? फिल्म पर ही क्यों सारे क्वेश्चन रहेगा तुम? ओके, लास्ट फिल्म यू वॉच दैट परफेक्ट स्पीच, वो मेरी लास्ट नाइट की मूवी है। एक्चुअली वो स्टोरी है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की, जहाँ पर वो सिर्फ फिजिकल ऑर्गन्स या फिर खुद मतलब आवाज एंड धुन क्रिएट करते हैं, ये कंपटीशन होता है इन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, तो फुल ऑन गर्ल ड्रामा एंड बॉयज ड्रामा है। एंड या आई लव दैट मूवी, द सॉन्ग्स आर ब्रिलियंट, एंड दैट्स माई लास्ट मूवी दैट आई वॉच लास्ट नाइट। ओके, वॉट प्रोफेशन डू यू हेट मोस्ट? आई डोंट हेट प्रोफेशन या अरे, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, बट या ओके, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन प्रोफेशन चेंज होते हैं, तो आई थिंक काम इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशन डजेंट मैटर। एंड या आई डोंट हेट एनी प्रोफेशन, क्योंकि हर एक प्रायोरिटी अलग होती है, काम काम होता है, आई थिंक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू स्लीप विथ लाइट्स ऑन और ऑफ? दैट्स अ क्वेश्चन, या आई थिंक दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि ना मुझे लाइट बंद करके सोना पसंद है, बट मेरी मम्मी को लाइट ऑन करके सोना पसंद है, तो वी आर फाइटिंग फॉर लिटिल बिट समटाइम्स लाइट ऑफ एंड ऑन में, बट या मुझे लाइट ऑफ करके पसंद है मतलब। ओके, कैट और डॉग? ऑफकोर्स डॉग, माई फेवरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू स्टैंड ऑन 1 foot फॉर एन एंटायर मिनट? या आई डू, जब मैं 11, 12 में थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा योगा थिंग एंड फ्लेक्सिबल जो चीज़ें होती हैं या फिर डांस वो सब करती थी, तो तब मैं ये करती थी क्योंकि मुझे हाइट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खुद की भी बढ़ाना चाहती थी, दैट्स व्हाई वो एक्सपेरिमेंट में करती थी, तो आई कैन या स्टैंड ऑन 1 foot फॉर एंटायर मिनट। सो हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू आर एंग्री? आई शट माई माउथ, क्योंकि आई थिंक जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुंह से निकलती हैं एंड हमें वो नहीं बोलनी चाहिए, दैट्स माई थिंकिंग अकॉर्डिंग दैट पॉइंट, क्योंकि एक बार हमारे वर्ड्स मुंह से निकल गए तो हम उसको वापस नहीं ला सकते, तो दैट्स द थिंग मैं करती हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं चुप बैठती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, बट बाद में या फिर मैं खुद से रो लेती हूँ या फिर उनको जाकर बताती हूँ कि या आप यहाँ पर रॉन्ग हो या फिर नहीं भी बोलती, मैं पूरा दिन ही चुप रहती हूँ, ये चीज मैं करती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ एंड वेयर डू यू प्रेफर टू स्टडी? ओह, ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं अभी स्टडी नहीं करती, बट बिहाइंड माई स्टडी स्टोरी, जब भी मेरी एग्जाम्स आती है या फिर कुछ भी हो, ऐसे ही मैं स्टडी करना पसंद करी, तब भी ऐसे ही नहीं करती, बट फिर भी
नेचुरली मुझे लगता है कि जब हमारे पास एकदम प्रेशर आता है, जब एग्जाम के पहले के 2-3 दिन होते हैं, तब ज्यादा स्टडी होती है। हमारे घर में टीवी एंटायर डे मतलब 24 आवर्स चलता है, तो मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ टीवी के सामने बैठ कर ही पढ़ाई करती हूँ। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि नो ये व्हाट इज दिस, ओके, बट जब तक टीवी ऑन है तब तक मेरी पढ़ाई भी ऑन है, वरना मैं सो जाऊंगी। मतलब टीवी पर मेरा ध्यान नहीं जाता, बट क्या दैट आई डोंट नो, ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी है कि हर 10 मिनट के बाद आपका फोकस चेंज होता है। आई थिंक मेरा ग्राफ करने का वही से आया है, तो आई थिंक यही मेरा प्रेफरेंस है, टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई करना। बहुत लोग इसके अपोजिट होंगे, बट या मैं तो ऐसा ही करती हूँ, तो आई डोंट नो आप कैसे करते हो, बट ये मेरी थिंकिंग एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ऐसे ही करती हूँ पढ़ाई। हाउ डू यू नो इफ समवन इज अमेजिंग? ओके, देयर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स। आई थिंक इट्स नॉट एक टाइम पे मुझे समझ आता है कि अमेजिंग है, बट या कभी कभी आ जाता है जगह, अगर हमारी वाइब मैच हो या फिर हम किसी टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एंड इट्स डीप कॉन्वर्सेशन एंड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर रहे हैं या फिर हमारे ओपिनियंस क्लैश हो रहे हैं, तो मैं नहीं बात करती, बट ठीक है, ट्राई करती हूँ कि पुट एज उनके ओपिनियंस को मैच कर पाऊँ या फिर समझू, बट मैं अपने ओपिनियंस पे ज्यादा स्पीक इसलिए नहीं कर पाती कभी कभी कि अगर someone is saying something तो उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा, या फिर ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा है तो नहीं, मैं मुझे वो समझ आता है। तो someone is awesome या फिर amazing है मुझे तब समझ में आता है जब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मेरी वाइब्स मैच होती है, तो आई थॉट दैट्स कूल एंड मैं उनके साथ ही ज़्यादा टाइम प्रेफर करती हूँ, दैट्स वाई वो पसंद मिल गया अमेजिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवल? तो ट्रैवल के लिए ऐसा मतलब अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, बट आई एम थिंकिंग कि ट्रैवल समवेयर जहाँ पर मैंने कभी भी डिसाइड नहीं किया, बट या आई थिंक दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी एंड एज वेल एज यू गाइस, सो वेट फॉर दैट, स्टे ट्यून्ड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और मैं जितने पॉसिबल हो सके उतने मैंने क्वेश्चन के आंसर किए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, एंड थैंक्स फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द वीडियोज एंड द पिक्चर्स, एंड आई रियली लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।